अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आफिया। क्या हाल है आप सबके? मैं भी हैरियत से हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। तो डोनट्स बनाने के लिए डोनट्स बनाने लगे हैं, इसके लिए ये मैंने दो कप जो है ना मैदा लिया, यानी कि प्लेन फ्लोर। अच्छा, तो अब इसमें हम ये ऐड करने लगे हैं। ये दो ग्लास मैंने लिए हैं, आपकी मर्जी। अगर आप ज़्यादा बनाने चाहती हैं तो इसको ढाई भी कर सकते हैं, हम ढाई कप भी हो सकते हैं। तो मैंने बनाने थोड़े से ज़्यादा, ये मैं ढाई कप इसमें आटा डालने लगी। ठीक है, फरी सभी। अच्छा, तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमने ऐड करना है। अच्छा, एक गिलास मैंने ये दूध लिया है। सबसे पहले हम इसकी तैयारी करते हैं। और ये मैंने एक आधा ग्लास मैंने चीनी का लिया, जो शुगर ये देखेंगे, ये शुगर इसके अंदर चलेगी है। और इसमें हम आधी चम्मच हम इसमें नमक ही ऐड करेंगे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने करना है मिक्स, इसके साथ हमने मिक्स किया। और ये हमारे पास है ईस्ट, ये ईस्ट है। ये ईस्ट हमारी ज्यादा है, पर इसमें हमने हाफ पैकेट डालना है ईस्ट का। ये हमने हाफ पैकेट ईस्ट का डाल दिया, इनके दो चमची हैं, ये दो चमची कह ले ईस्ट की हमने इसके अंदर डाली है। और एक अंडा इसके अंदर जाएगा, एक अंडा डालेंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाह, ये अंडा चला गया। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने मक्खन लिया, बटर लिया, और ये इतना सा बटर लिया हमने, इसमें दूध में मिक्स करना है। दूध को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हमने गूंदना है। अब हम गूंदना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इसमें मैंने ना वनीला एसेंट डालना था थोड़ा सा, ये हमने डाल दिया वनीला एसेंट। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम गूंदना शुरू करते हैं। अंडा और दूध रूम टेम्परेचर पे रखना है आपने। ज्यादा हमने ज्यादा ठंडा दूध और अंडा जो है ना फ्रिज का आपने फौरन यूज नहीं करना, उससे आपके डोनट्स जो है ना खराब हो सकते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे हम और इसको गूंदते जाएंगे हम।
इसको मैं गूंद के अच्छे से आपको फिर से दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए हमारा ये यूनिट का आटा तैयार हो गया। तो इस तरह से ना हमने इसे 10 मिनट लग गए हैं बस। अच्छा, तो अब हमने ना इसको एक घंटे के लिए ना अच्छी तरह से ऊपर से कवर करके और इसे रख देना है, क्योंकि सर्दी है। एक घंटा इसे लाजमी हमने अच्छी तरह से कवर करके इसे रख देना है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद एक घंटे के बाद आपको फिर से दोबारा दिखाती हूँ आटा। देखे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी शाइनिंग आई हुई है ऊपर। तो अब दोबारा से आपको दिखाऊंगी फिर मैं। हाँ जी, हमें ना डेढ़ घंटा हो गया, हमने डेढ़ घंटे के लिए इसको रखा था। अब देखें माशाल्लाह से हमारा जो है ये तैयार हो गया, जिसको एक बार हमने फिर से थोड़ा सा कुछ का डस्ट करना इधर, उसके बाद हमने इसकी रोटी बनानी है। इसको भी साइड पे करती हूँ। इसको थोड़ा सा हाथों से इसी तरह पहले प्रेस कर ले, ठीक है। इतना होना चाहिए कि आधा इंच हमारा शेर से आधा इंच हो। हाँ जी, अब हमने एक, आप कोई भी चीज़ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखें, आपको दिखाती हूँ कि हमने किससे करना है। ग्लास भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद भी हमने इसको 10-15 मिनट के लिए काट के और इसकी कटिंग करके फिर से हमने इसको रखना है। देखें, सारी एक जैसी हो गई है हमारी, ठीक है। और ये हमने लिया एक ऐसी, कोई भी साशा ले सकते हैं आप, कोई भी ग्लास ले सकते हैं। ग्लास अगर आपको लगे कि ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, तो एक ग्लास भी आप ले सकती हैं। इस आपका कोई भी ग्लास है, इसमें माशाल्लाह से हमारे काफी ज्यादा बन जाएंगे इससे ही। हाँ जी, अब हमने एक इसके अंदर से भी इसको ऐसे काटना है।
अब इन्हें हमने एक एक करके उठाना है, बड़ी एहतियात से हमने इनको निकालना है। देखिए माशाल्लाह से हमारे, और अब हमने इसके अंदर से इसको निकालना है। अभी थोड़ा सा ये देखिए ये निकल आए, आपको लगे दोबारा से इसको ऐसे करें, ये देखिए माशाल्लाह से। और हमने इसको इसके ऊपर भी रखना है थोड़ी देर के लिए, हमने दोबारा से इनको रखना है। इसी तरह मैं तमाम निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वाह। मैं आपको सारे निकाल के दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह से हमने बना लिए। अब इसे भी बना करना, मैंने ना तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको फिर कवर करके रखूँगी और दोबारा से फिर हम इसे फ्राई करेंगे। जो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं हमारे, ठीक है। अब इनको मैं फ्राई करके बाद में दिखाती हूँ फिर से जी। अब हमने एक कढ़ाई लिया, इसमें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और अब हम ट्राई करेंगे। ऑयल हमारा ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, तो हम इसे ना एक हम छोटा सा डाल के, ये मैंने छोटे भी बनाए हैं ट्राई के लिए, चेक करती हूँ। ये देखे छोटा सा बनाया, तो ऑयल हो गया ठीक है। अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं, छोटे पाले डालूंगी। हमने आधे घंटे के लिए इनको रखा था, देखिए माशाल्लाह से फूलना शुरू हो गया। देखिए इनका कलर होना शुरू हो गया फौरन से, जी देखिए हमारे बनना शुरू हो गया। इनको हम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे इसमें। जी हम अब हमारे डोनट्स तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, इन पे हमने चॉकलेट डालनी है, इस तरह आपकी मर्जी है, चाहे इसमें आप डिप कर दें। चले मैं ऐसे करती हूँ, इसमें डिप करती हूँ इसको, तो जी
हाँ जी, देखिए हमने चॉकलेट इस पे स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी इस पे डालेंगे शुगर, ठीक है। उसके बाद हमने ये हमारे पास कलरफुल है, ये थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इस पे। और थोड़ी सी हम स्प्रे करेंगे तिल, आपको अच्छे लगे तो कर लें। मुझे ये कलरफुल अच्छी लगती है चीज़ें, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये हमारे पास है, इसे कहते हैं चॉकलेट। देखिए ये भी हमने करनी है छुपे, जी। और ये चॉकलेट वाली तो नज़र नहीं आनी है, ये दो कलर में है, ये वाली हम करेंगे थोड़ी सी। अब देखिए हमारे माशाल्लाह से कितने अच्छे डोनट्स बन गए हैं, कैसे लग रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको डोनट्स कैसे लग गए हैं। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।